नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो की तरह हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं मेरे पाजी बड़े भैया वरुण, जो लुधियाना से बिलोंग करते हैं और मेरे साथ जॉब करते हैं। इनको माल्टा में रहते 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट इनको 2 साल हो गए हैं। मुझे भी फरवरी में अगले महीने 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है खाने पीने के बारे में, लिविंग एक्सपेंस के बारे में, कि आज का 2024 जैसे कि शुरू हो चुका है तो क्या खर्चा है, चार्जेस इंक्रीज हुए, रेंट बढ़े हैं, खाना पीना, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि 2024 में हमारा जो लिविंग एक्सपेंस है वो क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वरुण पाजी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि चेंजेस क्या हैं 2024 में। सर, चेंजेस जो मेजर चेंजेस देखे हैं इस साल में, लाइक पिछले 6-8 महीने या 1 साल से, तो लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हाइक हुआ है, बहुत बड़ा। कि अगर रेंट की बात करें तो रेंट इतने हाइक हो गए हैं यहाँ पे कि जो अपार्टमेंट 1 साल पहले अगर बात करें तो हमें 1 बेडरूम अपार्टमेंट या 2 बेडरूम अपार्टमेंट हमें 300 या 400 या 500, 700, 800 की रेंज तक में मिल जाता था 2 बेडरूम जी। बट इसी टाइम पे लाइक एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी चाहिए, सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, स्टूडियो अपार्टमेंट विद किचन, तो उसका जो प्राइस चल रहा है करंट वो 750, 800, 900 ऐसी रेंज चल रही है, डिपेंड ऑन द एरियाज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और 1 BHK की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हम, कि 700-800 यूरो तक 1 BHK मिल रहा है। 2 BHK पहले, जैसे कि मुझे भी 2 साल हो गए, मुझे याद है कि 800 यूरो में बहुत अच्छा मिल जाता था। मैं रहा हूँ, खुद रहा हूँ, हमारे पास एक मैशनेट था, पूरा हाउस था, डबल स्टोरी विद अ 2 बेडरूम, हमने 700 में रेंट किया हुआ था पिछले साल, ठीक है। और इस टाइम पे वही सेम हाउस कम से कम 1400 यूरो का मिल रहा है, डबल देन प्रीवियस प्राइसेस। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस, अगर आपकी सैलरी मान लो कि 1500, 1400, 1500 आ रही है जी, तो आपकी लाइक 50% या 60% आप अपने सिर्फ हाउस रेंट में पे कर रहे हो। वो अलग बात है कि अगर आप शेयरिंग पे एडजस्ट कर सकते हैं, बट शेयरिंग में भी ये है कि इन्होंने थोड़ा सा टाइट कर दिया सिस्टम यहाँ पे, कि पहले होता था कि एक ही हाउस में 3 बेडरूम अपार्टमेंट ले लेते थे, वहां पे 10 बंदे रह रहे हैं, 12 बंदे रह रहे हैं, बट इनकी हाउसिंग अथॉरिटी ने इस टाइम पे थोड़ा सा सिस्टम को थोड़ा तो उतने ही लोग अलाउड हैं जितने लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि 3 BHK में मैक्सिमम जो होते हैं 5 लोग अलाउड होते हैं, 5 या 6, इससे ज्यादा अलाउड नहीं होते। 2 बेडरूम में 4 लोग अलाउड करते हैं, या 3 या 4, 3 या 4, 5 भी नहीं करते हैं। तो वो आप पे है कि आपके लैंडलॉर्ड पे है कि आपका उनसे कैसे ताल्लुकात हैं, तो वो कितने लोगों को अलाउड करते हैं। तो रेंट बढ़ गए, एक तो रेंट तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब कि अगर हम 2 साल में बात करें कि डबल ही हो गया ऑलमोस्ट। बट अगर हम 3 BHK की बात करें तो अगर वो 1200 का मिलता था तो आज 1500 यूरो का है वो 3 BHK अपार्टमेंट आराम से। बाकी आराम थोड़ा से। दोस्तों, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि थोड़ा एरिया पे भी डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में घर लेते हैं। क्योंकि अगर काम की बात करें तो मेजरली जो आप काम करोगे तो जो सेंट्रल एरिया लाइक मोस्टाज हो गया, मोस्टा हो गया, नशार हो गया, बिरकरकारा हो गया, है ना, एमसीदा हो गया, सलीमा हो गया, ये सब सेंटर एरिया, ये सब सेंट्रल एरियाज हैं। तो इनमें अगर आप बात करें तो आउटसाइड पे आप रहेंगे तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना आधा पौना घंटा, 1 घंटा 2 घंटे ट्रैफिक पे डिपेंड करता, ट्रैवलिंग पे लग जाएगा और टाइम लगेगा, तो तभी लोग सेंटर में रहना सेंटर में ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इस टाइम पे कंडीशन इम्पॉसिबल है, जो आप अगर चाहें कि 300 यूरो या 400 यूरो में आपको शेयरिंग में अपार्टमेंट मिल जाएगा तो हो भी सकता है, बट थोड़ा मुश्किल, चांसेस बड़े मुश्किल है। घर की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि जैसे कि ओवर क्राउडेड हो चुका है। हाँ, और मोस्टली डायरेक्टली फ्रॉम द ऑनर्स वो बड़े कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस। आपको ब्रोकर के थ्रू ही लेना पड़ेगा, उसके साथ आपको 1 महीने का डिपॉजिट प्लस ब्रोकरेज फीस जो 50% होती है रेंट की, और उसके बाद अपना रेंट। तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो अगर आपको 600 यूरो का रूम मिल रहा है, एक या 700 यूरो का रूम मिल रहा है, तो आपको 700 यूरो डिपॉजिट देना पड़ेगा और उसके बाद हाफ 50% ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी, 350। तो ये 1 BHK अगर आप लेते हैं, 1 रूम किचन लेते हैं, तो 700 यूरो का है तो 1400 हो गया, और 350, मतलब 1750 यूरो तो यही हो गया आसपास आपका पहुंच जाएगा। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल इंक्लूड नहीं होता है, बहुत रेयर होता है कि वो इंक्लूड हो, अदरवाइज वो इंक्लूड भी नहीं होता, वो नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी या आप यूटिलिटीज अपनी लगा लो कि आपकी 2 महीने का बिल आता है यहाँ पे, अगर 1 बेडरूम भी ले रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 80-90 यूरो या 100 यूरो या 150 यूरो आपका यूसेज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज। और अभी तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं सिर्फ रहने की, मकान की। अगर हम खाने की आइटम्स की बात करें, मैंने क्या एक आपको मैं फनी किस्सा बताता हूँ। मैं अभी दिसंबर में गया था इंडिया, तो दिसंबर में जब मैं इंडिया से वापिस आया हूँ 1 महीने बाद,
तो पहले दूध मिलता था यहाँ पे 1 यूरो का 1 लीटर, और वो भी 15 सेंट बढ़ गए। हाँ, वो भी एक महीने के अंदर 1 यूरो 15 या 19 सेंट का हो वो गया। भी बढ़ गए। तो यहाँ पे हर चीज के रेट है वो आप ये लगा लो कि बढ़ते जा रहे हैं। ग्रोसरी एक्सपेंसेस, ग्रोसरी एक्सपेंसिव हो चुकी है। पहले अगर आपकी 100 यूरो के एक्सपेंस था ग्रोसरी का, तो आज के टाइम में वही 125 यूरो हो चुका है। 125 या 200 यूरो मान के चलो आराम से, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो, क्या खाना पीना आपको घर पे बनाते हैं तो अलग एक्सपेंस होगा, अगर बाहर जाके खाएंगे वो तो फिर बहुत महंगा पड़ने वाला है, फिर तो वो बजट से बाहर है। तो देखा जाए तो दिन भर दिन माल्टा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, एक्सपेंसिव होता जा रहा है। और व्हाट आई फील्स लाइक कि इमिग्रेंट्स के लिए नॉट वेलकमिंग एनी मोर की माल्टा, और थोड़ी सी हेटरेड कमेंट्स भी आए हैं पीछे माल्टा के इंस्टाग्राम पेज पे जी। तो हेटेड कमेंट्स आए हैं इंडियंस के अगेंस्ट। वो तो देखो हर सिक्के के दोनों पहलू है मेरे ख्याल से, है ना, आपको हेट भी मिलेगा प्यार भी मिलेगा। हालांकि हमारा जो अभी तक का एक्सपेंसिव है, हम जैसे लोकल्स के साथ भी काम करते हैं, तो ऐसा अपना तो कोई मतलब ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो तो देखिए उस बारे में हम बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर जगह है वो। तो अगर हम कहीं भी जाएंगे तो कहीं आपको अच्छे लोग मिलेंगे, कहीं बुरे लोग मिलेंगे, तो वो एक अलग पार्ट है। बाकी अगर हम बात करें माल्टा का जो करंट सिचुएशन है, वो एक्सपेंस हो चुका है, एक्सपेंसिव हो चुकी है चीज़ें। तो अगर आप माल्टा का प्लान भी कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से प्लान कीजिए कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी 1500 यूरो अगर आप कमा रहे हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो आधा जाने वाला है या उससे थोड़ा सा कम, बाकी वो आप पे है। तो आई होप दोस्तों ये आपको आज की जो ये वीडियो है बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू परवीन भाजी। थैंक यू भाजी।